क्रिप्टो बड़ी कैसे और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दो ऐसी लिमिटेड एडिशन एनएफटी, अगर आपने इसको अभी तक मिंट नहीं किया है तो भविष्य में होने वाले एक बड़े एयरड्रॉप को आप यहाँ पर मिस कर देंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही दो प्लेटफॉर्म के बारे में जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एनएफटी मिंट दे रहा है और भविष्य में एक बड़ा एयरड्रॉप भी आपको ये दे सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जॉइन फायर। जॉइन फायर एक्सटेंशन के रूप में काम करता है, जैसे कि अगर आप कोई एनएफटी में या किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उस ट्रांजेक्शन की वजह से आपके वॉलेट को हार्म हो सकता है या उस ट्रांजेक्शन की वजह से अप्रूवर की वजह से आपके वॉलेट से फंड निकल सकता है, तो ये आपको उन चीज़ों से बचाता है। ये आपकी एनएफटी को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर यह भी मेंशन करता है कितना फंड आपके वॉलेट से जा रहा है। अगर आप इसको मिंट डॉट फंड से मिंट करते हो तो आपके एक्चुअल ये वर्थ इट है, एक्चुअल ये सिक्योर है कि नहीं है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर ये मेंशन करता है। तो कहीं ना कहीं ये एज अ भविष्य के रूप में काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है। एयरड्रॉप को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनके वेट लिस्ट पर भी आपने अपनी ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, ताकि भविष्य में जैसे ही अपना वॉलेट एज अ अच्छे तरीके से लेकर आएंगे तो सबसे पहले मौका आपको मिले, और कोई भी टास्क होते हैं तो उसमें भी सबसे पहली जो कंडीशंस हैं, सबसे पहले जो टास्क हैं वो आपको ही मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपने क्या करना है, अगर आप एक्सटेंशन डालना चाहते हो एज अ टेस्टिंग के रूप में तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेफ एंड सिक्योर है। बट अभी के लिए हम एनएफटी मिंट करेंगे। सबसे पहले तो राइट हैंड टॉप साइड पर आपको मिंट दी एनएफटी मिल जाएगा, जैसे ही आप वेट लिस्ट के बाद इनकी वेबसाइट पर जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम मिंट पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको पॉलीगन चैन कनेक्ट करनी है, तो आपके पास मैटिक होने चाहिए। पॉलीगन में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर एनएफटी आपको मिंट हो जाएगी। तो इसमें से आपको कार्ड दिखते हैं कि आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है और उसमें फाइंड करना है कि जो इनकी नेटिव फायर एनएफटी है वो आपको मिली है कि नहीं मिली। तो हो सकता है कि आपको दूसरी एनएफटी मिल जाए, बट अगर नहीं मिलती है तो आपको फायर वाली फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फायर वाली फाइंड कर ली, मुझे पहली बार में ही मिल गई। तो वो लक पे भी निर्भर करता है, बट इतने ज़्यादा नहीं है, 4-5 कार्ड हैं, तो आप सारे खोल लेना तो एक में तो है ही 100%। ठीक है, तो ओपन सी में जाकर देखोगे तो वहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगी। अगर आपको फायर एनएफटी नहीं मिलती है तो दूसरे कॉलम्स में आपको क्या एनएफटी मिलने वाली है वो भी आपको एक बार खोल के दिखा देते हैं। एज अ वो एनएफटी कोई मतलब की नहीं है, बट हमें जो फाइंड करनी है वो फायर वाली फाइंड करनी है। तो अभी एज अ आपको दिखाने के लिए हम खोल के देखते हैं, तो आपको आप देख सकते हैं एज अ जिसकी कोई वर्थ नहीं है वो एनएफटी हमें यहाँ पर मिलेगी। अगर मैं ये एनएफटी को क्लिक नहीं करता तो दूसरे में मेरे को इस तरह की एनएफटी ही शो होने वाली थी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको फायर नहीं मिलती तो आपको यहाँ पर क्लेम करना पड़ेगा, ओपन सी पर जाकर आपको ये एनएफटी मिल जाती है। बट अगर आप इनकी एनएफटी को ओपन सी पर भी लेना चाहोगे फायर की, तो आप ले सकते हो, बट यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन भी हो जाए तो एज अ एक बेनिफिशियल आता है, क्योंकि मिंट का जो एयर ड्रॉप है वो एक अलग पर्पस पर देखा जाता है और खरीदने वाला एक अलग पर्पस पे। और दूसरी लिमिटेड एडिशन एनएफटी की बात करते हैं तो वो वॉलेट गार्ड के द्वारा यहाँ पर लाई गई है। अगर आपने इसके बारे में सुना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सुना है तो अपने आप में काफ़ी काबिले तारीफ ये प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको अदर स्कैम से और स्कैम जो फिशिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उससे ये आपको बचाता है। यानी कि अगर वो मना कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन मत करो तो चुप करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं कि हाँ भाई नहीं नहीं मुझे तो ये टास्क करना ही है। क्योंकि अगर आप एयर ड्रॉप की बात करते हो तो एयर ड्रॉप हंटर्स के लिए ये जो एक्सटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर हो या जितने भी यहाँ पर टास्क के रूप में एयर ड्रॉप होते हैं, चाहे वो आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो या कोई स्वैप कर रहे हो, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहने वाला है। ऑलमोस्ट ये सभी चैन्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो वॉलेट है वो भी यहाँ पर सिक्योर रहे। अब यहाँ पर बात आती है कि ये एनएफटी को हम कैसे मिंट करेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन है वो आपके वॉलेट में होना चाहिए, उसके बाद ही ये एनएफटी मिंट होगी। क्योंकि फायर में ऐसा था कि उसमें नहीं भी होगा तब भी आप मिंट कर सकते थे, बट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको ये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपली इनकी वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके आप कर सकते हो, इनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप एक्सटेंशन डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने वॉलेट को वेरीफाई यहाँ पर करना है। तो जैसे ही आप वॉलेट को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपको ये
एज अ पॉपअप के रूप में, स्कैन के रूप में बता देगा कि आपका जो वॉलेट है वो कितना हाई रिस्क है, कितना इसमें हैकिंग के चांसेस हैं और उसको आप ठीक कर सकते हो, क्या आपने अप्रूवर दिए हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देगा। देन आप उसको revoke.cash में जाकर भी उसको रिवोक कर सकते हो। अभी जो मेरी हेल्थ है वो 100% है। उसके बाद दोबारा से ये कहता है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने एक्सटेंशन को, क्योंकि हम पहले ही कर चुके थे तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने किया वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद यहाँ पर लास्ट में लेफ्ट हैंड डाउन साइड पर यहाँ पर मिंट NFT लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपको NFT मिंट करने के लिए अपना वॉलेट यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो कि हम पहले ही कर चुके थे। तो क्लेम का ऑप्शन है, तो उसके बाद यहाँ पर हम क्लेम पर क्लिक करेंगे और ये भी पॉलीगन चैन पर ही मिंट होने वाला है, यानी कि जो आपकी गैस फीस है वो बिल्कुल नहीं लगने वाली है और यहाँ पर आपका जो वॉलेट है वो आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही ये वॉलेट गार्ड की NFT मिंट हो जाएगी तो ये ऑलरेडी मिंट आ जाएगा। बाकी आप OpenSea पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको आपकी NFT यहाँ पर दिख जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी जो NFTs एयर ड्रॉप आते हैं उसको मिस ना करें और भविष्य में हम ऐसे ही एयर ड्रॉप के बारे में वीडियो लाते रहेंगे, ताकि आप कोई भी ऐसा एयर ड्रॉप मिस ना कर दें जो एक अच्छा और बड़ा रिटर्न यहाँ पर दे सकता है। साथ के साथ यहाँ पर हम बात कर लेते हैं $35,000 के एयर ड्रॉप का। अगर आपने इस टास्क में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि बहुत ही इजी है, वेबसाइट पर जाना है, टेलीग्राम ट्विटर को फॉलो करना है और यहाँ पर आप $35,000 के पूल में पार्टिसिपेट कर लेंगे और जैसे ये 25 जनवरी को लिस्ट हो जाएगा तो उस टोकन को आप सेल कर पाएंगे एक्सचेंजों पर भी। अभी इसकी ICO चल रही है, एक दिन का समय रह चुका है, जैसे जैसे इसकी प्री सेल और ICO वगैरह ख़त्म हो जाएंगे तो ये लिस्टिंग पर भी आ जाएगा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट से बांट रहे हैं तो उसको आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप इनके टोकन खरीदने का सोच रहे हैं, जो भाई एज अ सट्टे के रूप में कि हाँ भी लगा दें और हम भूल जाएं कि हाँ भी क्या हमें बेनिफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर इनका कहना है कि हमने $210,000 यहाँ पर रेज किया है, जो कि इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भी आपको मेंशन हो जाता है। लास्ट टाइम हमने कुछ फंड इनके प्लेटफॉर्म पर लगाया था, जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने लगाए थे अप्रोक्सीमेटली $50, जिसमें हमने 76 टोकन मिले थे और जो वॉलेट में हमारे पास 11 आए थे और वेस्टिंग के लिए यहाँ पर 64 यहाँ पर गए थे। अगर इसमें रेफर प्रोग्राम भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप रेफर करते हो अपने किसी फ्रेंड को तो उसमें आपको 10% का यहाँ पर रेफर मिलता है, यानी कि टोकन मिलता है। अगर आप ऐसा छोटे अमाउंट के रूप में ऐसा टेस्टिंग करना चाहते हो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है वो भी आपके होने वाला है और लॉस की जो संभावना है वो भी आपकी होंगी। जो कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो सूझबूझ का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, पर ये है कि अगर आप कोई भी टोकन को यहाँ पर नहीं खरीदना चाहते हैं या $10, $20, क्योंकि मिनिमम $20 तो है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इनके पूल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पर भी जाते हैं तो 30,000 का जो पूल है वो 15 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर इन्होंने कॉइन मार्केट कैप पर भी यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो भर दिया है और बहुत जल्द इनका कॉइन मार्केट कैप पर भी डिस्प्ले होने लग जाएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गिको पर हमें कॉइन आते हुए नहीं पता लगते, बाद में पता लगता है कि ये मार्केट में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही NFT प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो, फ्री एयर ड्रॉप के बारे में जानना चाहते हो और क्रिप्टो अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।